अभियंता थाना अंतर्गत पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सफल बिजनेसमैन से चार अभियुक्तों ने जान से मारने की धमकी देकर 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और कहा था कि अगर पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे। जब पीड़ित पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया तो उसने पुलिस को सूचना देना सही समझा, जिसके बाद पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तों की खोजबीन शुरू कर दी और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बांदा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पुत्र चुन्ना प्रसाद से 14 नवंबर 2019 को यह सूचना मिली थी कि कुछ अभियुक्त धमकी देकर 1.5 करोड़ की रंगदारी मांग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाई और मोबाइल के नंबर के जरिए खोजबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने करबी चित्रकूट से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और एक अभी भी फरार है। बताया कि 3 अभियुक्तों में एक आरोपी बारामाफी थाना पहाड़ी चित्रकूट का रहने वाला है, जिसका नाम चंद्रशेखर यादव पुत्र चंद्र भवन है। वहीं दूसरा बारामाफी थाना पहाड़ी जिला चित्रकूट का रहने वाला है, जिसका नाम बबलू जागेश्वर यादव पुत्र राम भजन है। तो वहीं तीसरा अभियुक्त राजा द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद है, जो कि दिखितवाड़ा थाना अतर्रा जिला बांदा का रहने वाला था। इनमें से चौथा अभियुक्त ग्राम प्रसाद यादव पुत्र राम कृपाल यादव है, जो कि ग्राम पचौरा चौकी भरतकूप थाना करबी जनपद चित्रकूट का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। एसपी ने बताया कि इसकी योजना 2 माह पहले रामघाट सीतापुर चित्रकूट में राजा द्विवेदी के मकान में बनी थी। कॉल करने के लिए शिवरामपुर में दीपक मिश्रा भसादा की दुकान से फेक आईडी से सिम लिया गया था। थाना सभा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा जी के मोबाइल पे 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी। मुकदमे के बाद ये तफ्तीश चालू हुई और जो पैटर्न जो प्राप्त हुआ उसमें ये निकला कि एक राजा द्विवेदी है, उन्होंने गया प्रसाद यादव के साथ पूरा षड्यंत्र किया था। उन्होंने चित्रकूट के निवास चित्रकूट में रहने वाले चंद्रशेखर और बल्लू के माध्यम से जो कॉल कराया, ये चंद्रशेखर और बल्लू ने 2 बार कॉल करके इनसे रुपये की मांग की और धमकी वगैरह भी दिया। जब पुलिस को ये सूचना मिली तत्काल FIR दर्ज हुआ और आप देख ही रहे कि कितने कम समय में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति जो गया प्रसाद यादव अभी गिरफ्त नहीं आया, उसके विरुद्ध इनाम की घोषणा की गई, जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा।